लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि। आसनसोल में अपने घर के बाहर सो रहा एक व्यक्ति एसिड हमले का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि सोते समय कुछ नशे में धुत युवकों ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। इस घटने में उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया। आसनसोल में एसिड हमले का शिकार बना एक व्यक्ति। ये घटना कुलटी थाने की राधानगर सिनेमा हॉल मोड़ के पास घटी। जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने घर के बाहर सो रहा था और सोते समय अचानक किसी ने उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर वहां से फरार हो गया। इस हमले में व्यक्ति का चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया और वो दर्द से छटपटाने और चीखने लगा। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले का शिकार बना उस व्यक्ति का कहना है नशे में धुत कुछ युवकों की है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस जल्द से जल्द घटना की छानबीन में जुट गई। आइए देख लेते हैं बंगाल की कुछ और अन्य खबरें। आसनसोल के जमुरिया के केंदा में एक खाली पड़े कोयले की खदान में अचानक आग लग गई और धुआं निकलने लगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह ही स्थानीय लोगों ने उक्त खदान से आग और धुआं निकलते देखा था। लोगों का कहना है कि एक बार पहले भी इसी खदान में आग लगने की घटना घटी थी। दूसरी बार भी इसी खदान में ऐसी घटना घटने से इलाके के लोग भयभीत हैं। वहीं गांव वालों ने जल्द से जल्द इस खदान की मरम्मत कराए जाने की मांग की है, ताकि दोबारा ऐसी घटना न घटे। कुलटी के नियामतपुर पुलिस फाड़ी की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर कपिलेश्वर मंदिर के सामने से चार बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक पाइप गन, कारतूस, चाकू और रस्सी बरामद किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अभियुक्त डकैती के मकसद से इलाके में इकट्ठे हुए थे। गुरुवार को चारों अभियुक्तों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।